अच्छा ये बताइए हमको, अभी आप किस क्लास में हो? अभी मैंने 11th क्लास की है पास और मैं प्लस टू में हो चुका। चार दिन में आपने टोटल कितना डॉलर की अर्निंग की? चार दिन में सर मैंने किया है 100 प्लस कर लिए सर। 100 प्लस डॉलर मतलब वो क्या है ये, शायद 84-85 सौ रुपए। जी सर। मेरे दोस्त सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, केवल 76 वीडियो अपलोड करके अपने चैनल पे बनाया 3.41 मिलियन सब्सक्राइबर। कैसे यहाँ बहुत सारे लोग कई वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, कुछ लोग तो 200 वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, फिर भी चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। और आखिर कैसे इन्होंने 76 वीडियो अपलोड करने के बाद आज अपने चैनल पे 3 मिलियन सब्सक्राइबर बनाया? और केवल इतना ही नहीं, जब इन्होंने मोनेटाइज के लिए भेजा तो रीयूज्ड कॉन्टेंट आ गया, लेकिन फिर भी इन्होंने दिमाग लगाया और कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज कराया। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी पर नए हो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भाई सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है। सर सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार, मेरा नाम जशन है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। अच्छा ये बताइए हमको कि आपके चैनल का नाम क्या है और ये 3 मिलियन सब्सक्राइबर बनाने में आपको टोटल कितना टाइम लगा? सर मेरे चैनल का नाम जशन फैक्ट्स है और मुझे केवल 20-25 दिन लगे थे मेरे को 3 मिलियन सब्सक्राइबर करने में। 20-25 दिन? हाँ जी। अच्छा तो अब ये बताओ यार कि जैसे बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे आते हैं तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पहले तो उनका चैनल ग्रो नहीं होता तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो सोचते हैं यार यूट्यूब में कमी है, मेरे चैनल पे कमी है। तो जब आपके साथ वैसा हुआ, जब आपका चैनल ग्रो नहीं होता था तो आपका भी यूट्यूब छोड़ने का मन किया हो? जी मतलब मेरे इससे पहले मतलब मैंने 4 या 5 चैनल बनाए थे, मतलब कोई गेमिंग का चैनल, ड्राइंग का चैनल, तो मेरे को मतलब उन्हें अच्छी खासी ग्रोथ नहीं मिली, मतलब मुश्किल से 250-300 सब्सक्राइबर्स मतलब कंप्लीट हुए थे मेरे उसमें, तो मतलब मेरे को डीमोटिवेट भी हुआ। फिर मैंने सोचा मतलब इसमें सक्सेस तो पानी यूट्यूब में, इसलिए मैंने मेहनत करी तो फिर ये फैक्ट्स का चैनल ग्रो किया। जैसे आप यूट्यूब पे जब आए तो आपके घर वाले आपके सपोर्ट में थे? जी उनको मतलब मैंने पहले बताया नहीं था कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूं। छुप के काम किए थे आप? जी मैंने उनको बताया नहीं था ना। अच्छा ये बताइए हमको, अभी आप किस क्लास में हो? अभी मैंने 11th क्लास की है पास और मैं प्लस टू में हो चुका हूँ। प्लस टू में? अच्छा लोग कहते हैं यार कि जब हम यूट्यूब पे आना चाहते हैं हमारे पास अच्छा रिसोर्सेस नहीं होता, हमारे पास अच्छा रूम नहीं होता, हमारे पास अच्छा माइक कैमरा नहीं होता, तो आपके पास कौन सा मोबाइल था, कैसे आपने यूट्यूब की शुरुआत किया? देखो जब मैं मतलब पहले शुरू में मेरे 3-4 चैनल थे तब तो मेरे पास सैमसंग का फोन था और उनमें मेरे को ग्रोथ नहीं मिली, तो फिर मैंने फोन बाई किया रेडमी 12C, अभी 10th में लिया था। तो घर वालों ने आपको मोबाइल दिला दिए? नहीं मेरा खुद का फोन नहीं है, घर वालों के फोन है। अच्छा मतलब घर वालों के फोन में आपने वीडियो बनाना शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचे हो आप? जी सर। एक चीज मुझे बताइए यार, लोग अक्सर इनके दिमाग में होता है यार हम YouTube पे आए हैं हमारा चैनल कब ग्रो होगा, और आपका तो केवल 76 वीडियो या 74 वीडियो था आई थिंक, उतनी कम वीडियो अपलोड करने के बाद कैसे इतना ज्यादा वीडियो वायरल हो गया? क्या आपने कुछ वीडियो डिलीट भी किया था क्या? नहीं मैंने कोई वीडियो को डिलीट नहीं किया। तो फिर कैसे आपका वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ? मतलब पहले मैंने YouTube पे बहुत ज्यादा सर्च की कि मतलब वीडियो वायरल कहते हैं, मतलब कुछ मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैंने सोचा मतलब अपना दिमाग लगाया तो मैंने सोचा जो भी मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ट्रेंडिंग कंटेंट है, उस टॉपिक की मैंने वीडियो बनाई तो फिर वो मेरी वीडियो चलने लगी, मैंने अच्छी वॉइस डाली उसके ऊपर। जो इंपॉर्टेंट वीडियो हो और जो ट्रेंडिंग वीडियो हो, अब आपकी वीडियो तो यार टोटल में देखा कॉपी पेस्ट वाली वीडियो है, तो उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक का क्या महत्व है, कैसे आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे भागते हो कि यार ये ट्रेंडिंग टॉपिक है ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, कैसे आपके दिमाग में आइडिया आता है कि यार ये कंटेंट बनाऊंगा तो वीडियो पे व्यूज आएगा? मतलब सबसे पहले एक मैं ऐप है चाइनीज, वहां से वीडियो लेता हूं, ऐप। अच्छा वहां से वीडियो लेते हो? तो उनकी ना फीचर का ऑप्शन होता है उसमें एक ट्रेंडिंग का, तो उसमें मैं वीडियोस देखता हूँ जो मेरे को मतलब सैड स्टोरी लगती है या कोई इंटरेस्टिंग लगती है, देखने में एंगेजिंग होती है, बस उस वीडियो को मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिर वो वीडियो जैसे मैं डालता हूँ वो चलती है यूट्यूब पे पक्का 100%। अच्छा आपका वो एप्लीकेशन में जो ट्रेंडिंग का फीचर है आप वहां से वीडियो को फाइंड करते हो या ये ट्रेंडिंग में है? देखो कितना बढ़िया इन्होंने दिमाग लगाया। अब देखो वो एप्लीकेशन आई होप सभी के पास होगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो रोहित राज मोटिवेशन टेलीग्राम को ज्वाइन करना, मैं इसमें भेज दूंगा, ठीक है, 2 एप्लीकेशन भेजूंगा, देखो दोनों में से कहीं भी जो भी आपके मोबाइल में चले आप उसे यूज करके वीडियो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एक चीज हमको बताइए कि जैसे आप जब यूट्यूब पर आए तो वीडियो कैसे शूट करते हो, जब आपने घर वालों को बताया ही नहीं, ठीक है, तो कैसे आप वीडियो शूट करते हो? मतलब जैसे अभी मैं स्कूल से आया, लगा लो 2 बजे आ गया मैं स्कूल से, तो उसके बाद स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह खा के तो मैं छत पे चला जाता था कि मतलब उसको पढ़ाई करने के बहाने मतलब बोल देता पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तो जब आप पढ़ाई करने के बहाने छत पे आते थे तो उसके आगे क्या करते थे? बस फिर मैं तब अपनी वीडियोस को एडिट करता था, शॉर्ट वीडियोस को। अच्छा माइक यूज करते हो कि नहीं करते? नहीं बिना माइक के यूज करते। अच्छा मोबाइल को ऐसे पकड़ के माइक के साथ? हाँ जी बिना माइक। अच्छा चलिए हमको चीज बताइए कि यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे किया जाता है, अगर आपके हिसाब से कोई टॉपिक दिमाग में हो, कोई ऐसा ट्रिक दिमाग में हो तो अभी बताइए कि कैसे नेचुरल को ग्रो किया जाता है। मान लो 0 सब्सक्राइबर 0 व्यूज वाला कोई क्रिएटर है तो कैसे ग्रो कर सकता है? सर ग्रो करना मतलब इजी भी है और हार्ड भी है।
पहले सबसे पहले तो आपको यूट्यूब को समझना होगा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात हुई है यूट्यूब को समझना होगा। तो आपने अभी जो भी समझा भी यूट्यूब पे, तो आपके निष्कर्ष से क्या निकला? मेरे निष्कर्ष से यही निकला है कि मैं जैसे शॉर्ट वीडियोस देखता था तो कई वीडियोस के टाइटल था बस हार्ट की इमोजीज लगा दी, वो वीडियो वायरल, ना डिस्क्रिप्शन, ना कोई हैशटैग, ना कुछ। उन वो वीडियोस भी बहुत ज्यादा व्यूज थे, बस वीडियो में ही था, क्वालिटी कंटेंट था और वीडियो एंगेजिंग थी, तो इसी की वजह से उनकी वीडियो वायरल हो रही थी। मतलब क्या कहना चाहते हो आप, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? डिस्क्रिप्शन भी इम्पोर्टेंट नहीं है, टैग भी नहीं और टाइटल भी नहीं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी कंटेंट। अगर आपकी वीडियो में दम है तो वो 100% वायरल होगी। कि मतलब मेरी एक्सपीरियंस यही है कि कोई टाइटल टैग इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपकी वीडियो में दम है तो वो 100% वायरल होगी। अच्छा, जैसे वीडियो में दम है मान लो, ठीक है, हर बंदे को लगता है यार मेरी वीडियो बहुत अच्छी, लेकिन ऐसा कुछ और चीजें करा सकते हैं जैसे लाइक कराना या फिर कमेंट कराना, शेयर कराना, इन सब से कोई इफेक्ट पड़ता है? आपने ये सब कराने के लिए कोई दिमाग लगाया? मतलब जैसे कई लोग बोलते थे कि उससे आगे जो हुआ वीडियो में बोलते थे, उससे आगे जो लड़की ने किया, उससे आगे जो उस लड़की के साथ होने वाला है, उसे देखने से पहले अगर आप पानी पीते हो या मतलब ड्रिंक करते हो तो वो वाले बंदे लाइक सब्सक्राइब करो ऐसे। अच्छा, तो वहाँ से वैसा कॉल टू एक्शन बोल बोल के आप कमेंट कराते थे वीडियो में, राइट? जी सर, या मैं उनका मतलब विलेज का नाम पूछ लिया, उनका नाम पूछ लिया। तो जैसे लोग कमेंट करते हैं तो उसका क्या अभाव दिखता है आपको, क्या मतलब फायदा दिखता है, क्या वीडियो तेजी से वायरल होती है? सर मतलब फायदा तो बहुत ज्यादा है क्योंकि वीडियो की रीच बढ़ती है कमेंट से, और ज्यादा मतलब वीडियो के वायरल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं कमेंट से। चलिए, तो ये तो हो गया मान लो सर यूट्यूब के बारे में, जो यूट्यूब का एकदम आपने समझा है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि आप जो वीडियो अपलोड करते हो, आपकी वीडियो मैंने देखा इमोशनली वीडियो है, ज्यादातर डॉग की वीडियो है, ठीक है, डॉग किसी को बचा रहा है तो इमोशनल वीडियो है, लेकिन आप उस वीडियो को कैटेगरी में क्या रखते हो, कौन सी कैटेगरी होती है आपकी वीडियो की? सर मेरी सभी वीडियोस की कैटेगरी अभी तक तो पीपल एंड ब्लॉग्स है, टू जेड। पीपल एंड ब्लॉग मतलब कि ये करें तो ये तो साथ जब कोई चैनल ओपन करता है तो पीपल एंड ब्लॉग ही चूज होता है, राइट? अच्छा, चलिए एक चीज हमको बताइए कि आप जो वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है, वीडियो अपलोड करने के पीछे क्या प्रोसेस आप इस्तेमाल करते हो? अभी तो एक नया ट्रेंड आया, कुछ लोग कहते हैं हमको यूट्यूब एप्लीकेशन से अपलोड करना चाहिए, कुछ लोग तो अभी बताते हैं कि क्रोम में जाकर वीडियो अपलोड करना चाहिए, तो क्या आपको ऐसा कुछ इसमें कुछ अंतर दिखता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देख लो, जैसे ही सिंपल अपलोड करता हूँ मैं वीडियो, यूट्यूब पे गया एप्लीकेशन पे, वहाँ पे अपलोड वीडियो से मतलब वीडियो को लिया और कर दिया अपलोड डायरेक्ट, और ना मैं कभी मतलब शेड्यूल, मैंने कभी वीडियो में शेड्यूल भी नहीं लगाया, ना लिस्टेड की, डायरेक्ट पब्लिक। अच्छा, डायरेक्ट मतलब यूट्यूब से डायरेक्ट पब्लिक आप कर देते हो? जी सर। मतलब कुल मिलाकर यूट्यूब से आपके टाइटल पर लगाते हो, उसके बाद आप सीधा पब्लिक, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन टैग लगाते नहीं हो? नहीं, बस टाइटल डाला और बस वीडियो को अपलोड कर दिया। अच्छा, वीडियो अपलोड करने के पीछे भी कोई कहानी है क्या, जैसे कि आप पर डे कितनी वीडियो अपलोड करते हो आप? मैं पर डे अभी तो एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। टाइम पे करते हो या फिर जब मर्जी तब अपलोड कर देते हो? नहीं, मेरा बस टाइमिंग है, मैं शाम को 5:10 पे वीडियो को अपलोड करता हूँ डेली। अच्छा, आपकी वीडियो का जो भी वायरल हुई है वीडियो, और नॉर्मल एवरेज वीडियो की मैं टाइमिंग अगर पूछूं तो कितना होता है, कितने ड्यूरेशन की होती है आपकी वीडियो? मतलब मेरी वीडियो मोस्टली 35 से 46 सेकंड तक वायरल हुई है, ज्यादा 35 सेकंड तक। हाँ जी, 35 से 42 या 46 तक ज्यादा। अच्छा, अब तो 40 सेकंड की वीडियो में आपके हिसाब से कितना परसेंट ऑडियंस रिटेंशन आना चाहिए कि वीडियो वायरल हो जाए? सर 40 सेकंड की वीडियो में मेरे हिसाब से आना चाहिए 79 या 81% के बीच, आपकी वीडियो आराम से 25-30 मिलियन व्यूज आ जाएंगे 40 सेकंड की वीडियो पे, अगर उस पे 81 या 82% तक आता है। कि ज्यादा जितना ज्यादा ऑडियंस एंगेज है उतना ज्यादा रीच बढ़ने का चांस बढ़ जाता है, राइट? जी सर, जी सर। अच्छा, जब आप अभी ये चैनल बनाए, ठीक है, आपने वीडियो भी उठाया अच्छे से, वॉइस भी अच्छे से दिया, तो वॉइस देते वक्त आप कोई वॉइस को भी एडिट करते हो या फिर नॉर्मली जैसे आप बोलते हो वही डाल देते हो? बस मैं मतलब देखो, अभी जैसे कई लोग बोलते हैं कि अपनी वॉइस ओवर एडिट कैसे करें, वो एक ही सांस में बोल देते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं किया, पहले मैंने उसको समझा, जैसे एक लाइन बोली तो उसको जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है अनवांटेड पार्ट उसको कट किया, फिर स्प्लिट लगा के उसकी वीडियो के ऊपर लगाया उसको, ऐसे वॉइस एडिट किए मैंने। अच्छा, जैसे भी आपने चैनल को जब मोनेटाइज के लिए भेजा तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिली थी, आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुआ, तो क्या प्रॉब्लम था, यूट्यूब ने क्यों मोनेटाइज नहीं किया था आपका चैनल? जैसे मैंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजा तो उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने रियूज कंटेंट दिया मेरे को, रियूज कंटेंट। तो जी उन्होंने सोचा कि मतलब अभी जैसे कॉपी पेस्ट वाले चैनल बहुत ज्यादा चल रहे हैं यूट्यूब पे। अच्छा, तो उन्होंने मेरे चैनल को, जी तो उन्होंने मेरे चैनल को अच्छे से चेक नहीं किया, उन्होंने सोचा इसकी सभी वीडियोस कॉपी पेस्ट है, इसमें किसी इसकी खुद की वॉइस नहीं है, बट डायरेक्ट उठाई और डाल दिया है। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, उसमें एक अपील ऑप्शन था, तो मैंने अच्छे से अपील वीडियो बनाई, उनको सबमिट की, तो फिर उन्होंने मेरे चैनल को सक्सेसफुली मोनेटाइज कर दिया। अच्छा, ये अपील वीडियो आपने बनाया कैसे, थोड़ा सा कुछ हिंट दोगे? मान लो जैसे कभी भी जो भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, कभी इनके चैनल के साथ प्रॉब्लम हो जाए तो वो लोग निपट जाए इस वीडियो को देख कर, मतलब अच्छे से उनका काम जो है हो जाए, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आप उनके लिए क्या हिंट दोगे? सर देखो, सबसे पहले जैसे अगर किसी के मतलब रियूज कंटेंट की प्रॉब्लम अब हर क्रिएटर के पास आ रही है, क्योंकि जो भी जितने भी न्यू क्रिएटर हैं उनको सबको रियूज कंटेंट दे रहा है यूट्यूब,
तो मेरे हिसाब से जैसे यूट्यूब रील्स कंटेंट देता है तो आपको पीली वीडियो सबसे पहले बनानी चाहिए और अच्छे से उसमें आपको बताना है कि मतलब ये मेरा चैनल का नाम है, अपनी वीडियोस दिखानी है प्ले करके, इसमें मेरी खुद की वॉइस है, उनको सारा बताना है और पीली वीडियो सबमिट करनी है अच्छे से। अच्छा, हिंदी में बोल रहे थे क्या इंग्लिश में? जी मैंने तो इंग्लिश में बोला था और मैं आपको सर स्क्रिप्ट भी भेज दूंगा जो मैंने बोली थी स्क्रिप्ट। अच्छा, आपने टोटल इंग्लिश में लिखा था या फिर गूगल ट्रांसलेट का आपने यूज किया था? नहीं सर, वो तो मैंने डायरेक्टर खुद से इंग्लिश बना के लिख दी थी, मतलब मेरे को अच्छी जाती है इंग्लिश। अच्छा, तो इंग्लिश में आपने पूरा अपील किया, उनको समझाया अपनी वीडियो के बारे में और आपकी वीडियो एक्सेप्ट हो गई मोनेटाइज के लिए। और अब जैसे कई लोग अपील वीडियो सबमिट करते हैं तो उसमें जैसे इंग्लिश बोल भी बोल देते हैं, गूगल ट्रांसलेट भी करते हैं, तो मतलब उनको ना इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबटाइटल जरूर लगाने चाहिए, वो भी इंग्लिश में। अगर आपके वीडियोस में सबटाइटल होंगे ना तो ज्यादा 100% चांस है कि आपकी अपील एक्सेप्ट होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ AI भी चेक करती होंगी। आप अभी जो अभी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, ठीक है, टोटल कितना दिन का टाइम लॉस हुआ इन सब के चक्कर में? मतलब जैसे अभी मेरे व्यूज आ रहे थे शुरू में तो मेरा चैनल रिजेक्ट हुआ, तो उसके एक महीने के बाद मेरे को अप्लाई का ऑप्शन मिला रीअप्लाई करने का, तो फिर वो भी रिजेक्ट हो गया। तो फिर मैंने अपील वीडियो की, उसके मतलब मैंने जैसे 4 बजे शाम को की तो मेरे को रात को 9 बजे मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। अच्छा, अभी बात करेंगे, अभी आपका चैनल मालूम मोनेटाइज हो गया तो अभी आपकी अर्निंग कितना हो रही, कितना पैसे आप कमा रहे हो यूट्यूब से? सर अभी मतलब जैसे अभी मेरा 3-4 पहले ही मेरे को मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, एक दिन में मतलब $20 बन जाते हैं। $20 मतलब अभी कितना दिन हो गया आपका चैनल मोनेटाइज हुए? अभी मेरे 4 दिन हुए सर, 3 या 4 दिन। 4 दिन में आपने टोटल कितना डॉलर की अर्निंग की? 4 दिन में सर मैंने की है 100+ कर लिए सर। $100+ मतलब वो क्या है, ये शायद 84-85 रुपए। जी सर, ये बात देख लो, 85 रुपए केवल 3 से 4 दिन में कमाया है इन्होंने, और वो वीडियो जो कि एक बार मोनेटाइज के लिए रिजेक्ट हो गई। और अगर आपके चैनल पे कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, अगर आपका मोनेटाइज रिजेक्ट होता है तो आपको भी सेम टू सेम यही करना है, वीडियो अपील करना है, वीडियो को ओपन करो, कैमरा रिकॉर्ड करो, ठीक है, अच्छे से अपने वीडियो के बारे में बोलो, उसे अपलोड कर दो अपने यूट्यूब पे अनलिस्टेड में, उसके बाद अपील में जाकर वही वीडियो का लिंक लगा दो। राइट भाई? जी सर, शुरू के 30 सेकंड के अंदर अपने चैनल का URL दे देना चाहिए। तो चैनल का URL मतलब क्या, वीडियो में ही देते हो क्या? मतलब चैनल का URL। अच्छा, तो देखो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूबर के लिए, क्योंकि किसके चैनल पे कब कहाँ और कैसे प्रॉब्लम हो जाए वो केवल एक यूट्यूबर को भी नहीं पता होता यार कैसे प्रॉब्लम आ गई, इसलिए आपको ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वीडियो जो है इंपॉर्टेंट था। इसीलिए आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी चैनल पर नए हो यार सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।